आज की ताजा खबर जारी है, मैं हूं किशोर अजवाणी। जाने माने गायक मीका सिंह को दुबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर ब्राजील की एक मॉडल को अश्लील तस्वीरें भेजने का आरोप है। मीका को दुबई के मुराकाबत पुलिस थाने में रखा गया है। मीका की गिरफ्तारी कल सुबह 3 बजे दुबई से हुई, जहां वो 2 दिन पहले एक शो करने पहुंचे थे। 2 दिन पहले ही मीका ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दुबई इवेंट का वीडियो भी शेयर किया था। उन्होंने इस वीडियो के साथ एक कैप्शन भी लिखा था कि ओ दुबई, मैं आपके शहर में हूँ और ये पहली बार है जब मैं यहाँ मोस्ट पॉपुलर अवार्ड द मसाला अवार्ड फंक्शन को अटेंड करने आया हूँ। सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, हाय दुबई, दिस इज मीका सिंह एंड आई एम कमिंग टू अटेंड द मोस्ट पॉपुलर अवार्ड्स द मसाला अवार्ड्स। मीका सिंह का विवादों का पुराना नाता रहा है। इससे पहले मीका सिंह के खिलाफ 2016 में मुंबई की एक मॉडल ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, जिसके जवाब में मीका ने मॉडल के खिलाफ जबरन वसूली का आरोप लगाया। वहीं 2015 में दिल्ली में एक स्टेज शो के समय एक डॉक्टर पर थप्पड़ मारने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 2014 में मीका पर अपनी गाड़ी से एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मारने के मामले में हिट एंड रन का केस दर्ज किया गया। कुछ साल पहले मीका को मुंबई एयरपोर्ट पर तय रकम से ज्यादा विदेशी करेंसी साथ में ले जाने के मामले में गिरफ्तार किया गया था, जबकि 2006 में राखी सावंत ने जबरन किस करने के लिए मीका पर केस दर्ज करवाया था। इंडिया ए टीम आज पहला वनडे मैच खेलेगी। न्यूजीलैंड दौरे पर गई इंडिया ए टीम आज पहला वनडे मैच खेलेगी। पाकिस्तान हॉकी टीम के पूर्व कप्तान और मौजूदा टीम के मैनेजर हसन सरदार ने दावा किया कि पाकिस्तान में हॉकी की हालत बेहद खराब है। यूएई में पाकिस्तान के स्पिनर यासिर शाह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने 33वें मैच में टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेते हुए 82 साल पुराना एक रिकॉर्ड तोड़ दिया। ओडिशा में खेले जा रहे हॉकी वर्ल्ड कप में आज ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच शाम 5 बजे, जबकि आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच शाम 7 बजे मैच खेला जाएगा। टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स, राफेल नडाल और एंडी मरे ने अगले साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन में खेलने की पुष्टि कर दी। ब्रिटेन की एक मैगजीन ने दीपिका पादुकोण को एशिया की 50 सबसे सेक्सी महिलाओं में पहले स्थान पर, जबकि प्रियंका चोपड़ा को दूसरे नंबर पर रखा। हिमाचल में चंबा की ऊपरी पहाड़ी की चोटी पर बर्फबारी होने से सर्दी बढ़ गई। झारखंड के कांके में घर में पानी पीने के बहाने घुसे हथियारों से लैस बदमाशों ने वहां से 2 लाख कैश और गहने लूट लिए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में महिला को ब्लैकमेल कर उसका रेप करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अरब सागर में पानी के अंदर संयुक्त अरब अमीरात से मुंबई के बीच एक हाई स्पीड ट्रेन चलाने का प्रोजेक्ट जल्द शुरू हो सकता है। इस बुलेट ट्रेन से मुंबई से यूएई की दूरी केवल 2 घंटे में तय की जा सकेगी, क्योंकि पानी के अंदर इस बुलेट ट्रेन की रफ्तार 1000 किलोमीटर प्रति घंटा तक होगी। इस ट्रेन को समंदर के अंदर चलाने के लिए मुंबई से लेकर यूएई के फुजैरा तक तैरने वाले पाइप की सुरंग बनाई जाएगी। इसी तरह की एक सुरंग कराची से फुजैरा तक भी बनाई जाएगी। कराची से आने वाली ट्रेन मुंबई फुजैरा रेलवे लाइन से जुड़ेगी, यानी समंदर के अंदर एक तरह का जंक्शन बनेगा। इस प्रोजेक्ट के तहत मुंबई में समंदर किनारे एक आधुनिक स्टेशन बनाया जाएगा, जहां से निकलने वाली बुलेट ट्रेन सुरंग से होते हुए समंदर के अंदर चली जाएगी। समंदर के अंदर बनी दोनों सुरंगें एक दूसरे से तैरने वाले मजबूत टावरों की मदद से जुड़ी होंगी। इतना ही नहीं, इस सुरंग के नीचे 2 छोटी पाइपलाइन अलग से होंगी, जिनमें एक के जरिए मुंबई से साफ और पीने वाला पानी यूएई भेजा जाएगा, जबकि दूसरी पाइपलाइन की मदद से कच्चा तेल भारत आएगा। मुंबई की तरह ही हाई स्पीड ट्रेन के लिए फुजैरा में भी एक आधुनिक स्टेशन तैयार होगा। इस वक्त विमान से यात्रा करने पर मुंबई से यूएई जाने में 3 घंटे से ज्यादा का समय लगता है। समंदर के अंदर बुलेट ट्रेन चलने से लोग आसानी से कम समय में यात्रा कर सकेंगे।